और अगर इस बार एक कॉल चेंज करना है तो ज़्यादा खर्च होगा। ओह शिट मैन, মানে অশেষ কপাল ভালো যে গাড়িতে তুই তোর ঘোড়া বেঁধে যায়নি, তোর লেগে তুই ওর বাম্পার ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিস। চাস টাচ হয়েছে কিন্তু। ও কাকা চলবে নাকি? চলবে। Hey what's up guys, welcome back to my YouTube channel This is Vlog। तो आप लोग कैसे हो? करते हो आप लोग अच्छे हो, बढ़िया हो। तो आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हो। तो आज का एक राइड होने वाला है कलकत्ता से मंदरमणि तक। तो एक्चुअली आज सुजुकी ने एक राइड अरेंज किया है, तो वो इस राइड पर हम ज्वाइन करेंगे। तो जो राइड रहेगा ना, तो पूरा का पूरा हायाबुसा रहेगा राइड पर। तो मेरा पास तो भूसा नहीं है, मैं आज बाइक भी नहीं लूँगा। तो मैं जाऊँगा पापाई के साथ, मतलब पापाई और मैं उसका बाइक लेकर। पापाई के पास है ड्यूक 250 और बिट्टू दा जाएगा, बिट्टू दा गया अपाची R8 310 लेकर। तो बिट्टू दा के प्लेन पर रहेगा अभिदा। हाँ तो चलो फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, तो निकल कर आप लोगों से बात करते हो। तो आप लोग वीडियो बिना स्किप करके देखो। पापाई अभी आ गए हैं, ये देखो, तो मेरे घर के पास। तो अभी हम जाएंगे कल्लनी मोड़ पुलअप करने के लिए, और वहाँ से जागुड़ी मोड़ जाके बिटदा और उविदा के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो गाइज गोप्रो सेटअप पर आ गया हूँ। तो पापाई का बाइक फुलअप हो गया, तो चलो अभी ऐसा निकलते हैं। तो देखते भाई लोग कब आते हैं। अभी हूँ जागुड़ी पर, तो वहाँ से फुल अप करके सीधा जागुली आ गए हैं। तो पैसा चाहिए था, तो इसलिए एटीएम पर आ गए। तो अभी तो एटीएम से कैश ले लिया, तो अभी वेट करेंगे बिट्टूदा के लिए। अभी पापा ही राइड कर रहा है, कुछ दूर जाने के बाद मैं भी राइड करूँगा, दोनों शेयर करके राइड करूँगा। बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली वो लोग आ रहा है। तो एक्चुअली बिट्टूदा का बाइक का साउंड सुनाई दे रहा है, क्या आप लोग सुन सकते हो? वो देखो, क्या लग रहा है। तो ये रहा बिट्टू था। तो अभी आएगा बंटी था। এতক্ষণ পেট্রোল বললাম কখন থেকে একটু আগে বেরোনো দরকার ছিল। চলো এ চল অন কর। ইয়ো চলো, ওকে চলো। আর গাইস সুবহ সুবহ নজারা দেখো, কেমন লাগ রহা হ্যায় গাইস, পুরা স্মোক হ্যায় পুরা, ওয়াও, চারি তরফ সিফ ওয়াও হ্যায় ওয়াও। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बागूहाटी पर। तो बागूहाटी सुजुकी का शोरूम है ये, आप लोग देख सकते हो। तो ये रहा बाबाईदा का बाइक, एसी इंस्टॉल कर लिया, देख सकते हो आप लोग। तो चलो अभी निकलते हैं अंदर, टिफिन वगैरह सब कुछ कर लिया। तो अभी सभी बाइक लाइनअप करके निकलेगा, ठीक है। तो जाते हैं मेन डेस्टिनेशन पर, तो आजाद पे जाके रुकेंगे। Oh.
गाइस लोगों का रिएक्शन देखो, पूरा रास्ता जाम हो गया। तो अभी वहाँ से सीधा जाके लगता है यू टर्न करना पड़ेगा। और गाइस हमारे राइट पे एक एम्बुलेंस भी अरेंज हुआ है, एक इनोवा है और एक थार है और उसके साथ साथ ये एम्बुलेंस। तो राइड एकदम बहुत ही बढ़िया तरीका से अरेंज हुआ है। गाइस अभी तो मैं आ गया हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। तो इतना टाइम बहुत दिक्कत हो रहा था गाइस, बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि एक राइडर होकर पिलियन सीट पर मन नहीं लगता। तो एक्सचेंज कर लिया पापा से, तो पापा अभी पिलियन पर है। तो भाई लोग सब आगे निकल गया। और गाइस मेरा इनेस को बहुत मिस कर रहा हूँ, गाइस बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि एक बात बस अपना अपना ही होता है, ठीक है। और ये इस वाले बाइक में मतलब ये जो ड्यूक 250 है इसमें तो एग्जॉस्ट ही नहीं है। और आप लोगों को तो पहले दिखाया कि बाबा जी ने थर्ड जनरेशन पर इसी इंस्टॉल कर लिया। भूसा का साउंड नहीं आ रहा है जितना तक आरआर का आ रहा है, बहुत लाउड है, बहुत लाउड। और गाइस ड्यूक 250 कंफर्ट है, बहुत कंफर्ट है, इनिस से भी ज़्यादा कंफर्ट है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, साइलेंसर नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि बाइक चला रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ एक बाइक का क्राउड है ना, तो इसलिए। तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही जाते हैं। तो गाइस टोल से निकल कर ज़्यादा चल गए थे तो यहाँ पे सभी बाइक रुका है। तो आलिदा आ चुका है, तब भूसा राइडर जो लोग बाकी था तो यहाँ पे रुके थे, तो वो लोग अभी यहाँ से निकल रहा है। तो चलो आज़ाद हिंद ढाबा। तो ये वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला है। तो अभी यहाँ पे सभी राइडर्स लोग रुके, तो अभी खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे होगा। ये रहा बाकी सब लोग, वो लोग सीधा चल गया था तो मैंने कॉल किया। तो अभी निकल रहे सब लोग। तो आज ना गाइस सब भूसा है, सब भूसा, बस 250 ड्यूक और RR 310 जा रहा है, मतलब मेरा और बिट्टू दा का। गाइस कहाँ सुपर स्पोर्ट्स बाइक, अच्छे स्पोर्ट्स बाइक, कोई बात नहीं गाइस। का बिट्टू दा ने तो एकदम पूरा 100 साउंड ले लिया। 100 कहाँ पर, यहाँ पे 106 107, वो तो 200 ले लिया। चलो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। गाइस ये व्यू देखो क्या लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त। वाओ बहुत क्राउड है गाइस, बहुत क्राउड। माय गॉड क्या लीन था यार, सही में बहुत अच्छा लीन था। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो भैया का बाइक है ना सेकंड जनरेशन का भूसा, थोड़ा हीटिंग इशू के वजह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। भाई लोग सभी बाइक देखने के लिए आ गए, तो वो अंकल भी बाइक को प्यार करते हैं जो लगता है देखकर। देखो आप लोग, अंकल भी एकदम फिदा है बाइक देख के। काका ओ काका चलबे ना कि चलबे, ভালো লাগছে বাইকটা, ভালো লাগছে দাদা। আরে দাম পরে আগে দেখে ভালো লাগছে কিনা বলো। তো ভূষা কো দেখতে গেলে ভাই লোক আঙ্কেল লোক সব ফিদা হয়ে গেছে, দেখো সব। तब जिस भूसा का प्रॉब्लम हो रहा था ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम, वो बार बार से एक ही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी अभी रुक गया था, फिर से रनिंग पे स्टार्ट हो गया। तो सर्विस पे कॉल किया तो सर्विस का लोग भी हमारा राइट पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो लोग आगे निकल चुका है।
तो भैया का घर बहुत दूर है, वर्धमान, वर्धमान से आया हुआ है। हाँ शेट मैन, एक्सीडेंट हो गया यार। ओह शेट मैन, अच्छा क्रैश गार्ड पे टच होकर लग गया यार, स्क्रैच वगैरह आया। ओह शेट, बताओ यार। ये देखो इंडिकेटर नहीं देता है और क्रॉस कर लेता है। अभी तो मैं क्राउट करूंगा, चलो रॉ पावर पूरा। क्या पावर है गाइस, पूरा नंबर वन। आरा 3-10 बेस्ट, मन लग गया भाई गाइस, दिल लग गया इसमें। बहुत सारे बाइक में तो दिल लग गया, लेकिन नॉर्मल स्पोर्ट बाइक मतलब मेरा पास अभी 3-10 ही बेस्ट एक नंबर पे है। पूरा दिल लग गया, पूरा दिल लग गया, क्या आप बताओ, पूरा रॉ पावर है इसमें गाइस। एक्सीलेटर छूता हूँ तो एकदम 100। तो आ गए हम नंदा कुमार, बाबा दा फ्लाई वे दे दिया। देखो स्टिंग, तो फटाफट से पी लेता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो वहाँ से निकल कर रास्ते पे एक पेट्रोल पंप पे रुके थे फ्यूल अप करने के लिए। तो मेरा और बिट्टू दा का बाइक का फ्यूल अप कर रहा था, तो बाल्टी दा और बाबाई दा भूसा लेकर एक जगह पे खड़ा हुआ थे। तो अचानक से एक लॉरी आकर ना बाल्टी दा का बाइक का पीछे ठोक दिया। तो क्या बताओ आप लोगों को, मतलब जो ड्राइवर था ना, वो उसका कान पर हेडफोन था और ड्रिंक करके रखा हुआ था। लॉरी का ड्राइवर जो था उसको बोला था कि रुको रुको, सभी लोग बोल रहा था, लेकिन वो हेडफोन के वजह से उनको सुनाई नहीं दिया। तो सीधा ठोक दिया बंडीदा का बाइक का पीछे,
तो गाइस पूरा एक सीन क्रिएट हो गया था, मतलब क्या हुआ था आप लोग वो देखो अभी, ठीक है। लोगों का बात है कि एक्सीडेंट हो ही सकता है, और मतलब ड्राइवर का सपोर्ट दे रहा है यहाँ का लोग, गलत है यार। हमारा कहना है कि जितना नुकसान हुआ उतना दे दो ना, नुकसान हुआ टोटल मिलाकर 36,000, तो आप लोग ही बोलो कि 36,000 नहीं देना के, तो ज़्यादा कम करके तो दे दो, वो भी नहीं देगा। क्या बताओ यार, पूरा लाइट एकदम गया, और अगर इस बार एक कॉल चेंज करना है तो ज़्यादा खर्च होगा। तो गैस बस अभी रिसोर्ट पे आया, तो क्या बताऊँ, बहुत देर हो गया। एक्चुअली गैस आप लोगों ने तो देखा एक्सीडेंट हो गया था बंटीदा का बाइक का, तो वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। तो वहाँ से निकल कर हम सीधे गलती से चल गए थे दीघा पे, तो वहाँ से फिर से हम घूम के आया मंदरमणि। अभी रिसोर्ट पर हूँ, तो आप लोग देख सकते हो पीछे है रिसोर्ट, और अंदर इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो चलो अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ पहले। तो ये रहा रिसोर्ट के अंदर, और इधर पे इवेंट चल रहा है हायाबुसा का। तो ये देखो सारे बुसा का लाइनअप, भाई लोग बहुत पहले आ चुका था। तो चलो आज इवेंट एंजॉय करते हैं, ठीक है। और सब भूसा ये रहा पूरा रिजॉर्ट, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग पूरा प्लेस कितना बड़ा है। तो अभी तो यहाँ पे हमारा इवेंट चालू हो गया है, तो अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो आप लोग वीडियो पे बने रहो। फाइनली रूम मिल गया, तो अभी तो फ्रेश हो गए, तो डिसअप भी कर लिया, अभी इवेंट के पास जाएंगे। तो ये रहा हमारा रूम, एक ही बेड है, मतलब एक नहीं, ये एक बेड है, ये वाला एक बेड है, दो बेड है, तो हम चारों का हो जाएगा 3+1। और वहाँ पे बिट्टू दा अभी ऑफिस का काम कर रहा है, थोड़ा बिजी है बंदा। ये रहा रिसोर्ट, देख सकते हो आप लोग क्या लग रहा है देखो। और यहाँ पे है बेलकॉनी। तो चलो अभी जाते हैं इवेंट के पास, तो वहाँ पे जाके आप लोगों से फिर से मिलते हूँ, ओके। तो चलो
यहाँ पे चल रहा है डीजे पूल पार्टी, तो अभी तो कोई नहीं है पूल पे। आप अभी तो रात का देर बज चुका है, तो अभी राइडर लोग सब सो गए हैं, तो यहाँ पे बस दो भूसा पार्क करके रखा है। तो चलो अभी तो होटल का गेट भी बंद हो गया, तो अभी सो जाते हैं, बहुत रात हुआ, तो सुबह पे आप लोगों से मिलते हो। ओके तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह का 9 बज चुका है, तो बस राइडर लोग अभी भी सो रहा है, तो एक दो राइडर निकल गया है, तो नीचे आप लोग देख सकते हो, तो सब भूसा यहाँ पर लाइन अप हुआ रखा है। तो गाइस आज ना एक रेवोल्यूशन है, तो वहाँ पे यहाँ से जो राइडर चला गया, तो मेरा भी जाने का वक्त था लेकिन मैं नहीं गया। तो चलो अभी यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, रिसोर्ट के बाहर थोड़ा जाते हैं, यहाँ से घूमकर बीच के साइड जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा ड्रोन शॉट दिखाएंगे, तो आप लोग ड्रोन शॉट एंजॉय करो। तो चलो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। तो अभी तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, रेडी हो गया राइडिंग गियर्स पर, तो अभी निकल रहे हैं भाई लोग, सब निकल गया। तो चलो अभी तो हम घर जाएंगे, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और नीचे देखो इंस्टाग्राम आईडी आ गया है, वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, तो सभी पिक में और वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर दे दूँगा। तो अभी मैं बाइक राइड करूँगा, तो चलो अभी निकलते, तो आप लोगों से फिर से मिलते हो एक नया वीडियो पर, तो अब तक के लिए बाई।